Excuse me, sir. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम सर। सलाम तकबीर सर। वालेकुम सलाम सर। जी पिछला लेक्चर रिवाइज किया आप लोगों ने? यस सर माहीन बताएं क्या पढ़ा था हमने लेक्चर में। सर हमने एंजियोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसमें हम पढ़ते क्या है, उसमें होता क्या है, और इसके अलावा हमने एंजियोग्राफी करने के लिए जो हमारा रूम होता है वो हमने देखा था। उसमें प्रोसीजर रूम आ जाता है और इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम आ जाता है। और हमने एंजियोग्राफी का इक्विपमेंट पढ़ा था जिसमें हमारी एक्सरे ट्यूब है, इमेज इंटेंसीफायर है और फिल्म लेस सिस्टम होता है। और इसके अलावा हमने कंट्रास्ट एजेंट्स पढ़े थे। जी असमा जफर, यही पढ़ा था हमने। असमा जी जफर, सर, ये जी सर यही पढ़ा था तो की बात है, जी। मुझे तो लगता माही गलत बता आ रही। नहीं सर, बिल्कुल सही बताया है। कहते हैं तो मान लेता हूँ, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा उस पर। मोहम्मद आमिर सर ताहिर आपको अपने पढ़ाने पे यकीन होना चाहिए ना। जी, मुझे मेरे पढ़ाने पे यकीन है लेकिन मुझे तुम लोगों पे यकीन नहीं है ना। चेक करो जरा, बातें सुनो इनकी। अपने पढ़ बहुत तुम लोग ऐसे तेज हो। मोहम्मद आमिर ताहिर भाईजान, क्लास ज्वाइन करके सोना नहीं है ये, वो सोने वाली क्लास नहीं है। माजरत के साथ भाई जान, एबसेंट लगा दूंगा बाद में, ना कहना कि सर जी एबसेंट लगा दी। मोहम्मद राफे, यस सर, जाग रहे हो भाई जान? यस सर, जाग रहा हूँ। रोजे कितने रखे हैं, सारे कितने हो गए हैं भला? दसवां होगा, मेरे हिसाब से तो आज 11वां रोजा है। 10 तो रख लिए ना, 11वां रखा होगा फिर। चिंता कौन है, ये भी ठीक है, फिर पूरे साल ही रख लिया करो, गिनने नहीं होते तो। ये भी मलाइका ठीक है। ताहिर यस सर। बाजी, कितने रोजे हो गए हैं जरा दसो सही, तुसी किने रखे ने? सर आज 10वां रोज है। यार मेरे हिसाब से तो यार मैं तुम लोग कैसे 10 रख लिए तुम लोगों ने? सर अच्छा नहीं, वो दसवां रोज है। तुम लोग पाकिस्तान के साथ रख रहे हो ना, मैं सऊदी के साथ रख रहा हूँ। जरा अच्छा सही है। अल्ट्रा प्रो मैक्स,
सना हबीब यस सर बजी जाग रही हैं जाग रही हूँ सर चलो अल्लाह पाक खुश रखे आपको आमीन सिमा भट साहब जाग रहे हैं जी सर कितना जाग रहे हैं सुबह वैसे तुम लोगों का लेक्चर हो गया तुम लोग काफी एक्टिव हो गए अच्छा भाई आज का लेक्चर बहुत ही छोटा सा छोटा इसलिए क्योंकि उसमें से आधा मैंने पढ़ाना नहीं है वो तुम लोगों ने खुद पढ़ना है और मैं उसमें से सुनूंगा एक बात ही होगी दूसरी बात यह कि इंतहाई बच्चों वाला लेक्चर है क्योंकि वो दोनों चीज़ें जो मैंने बतानी है ना तुम लोग पहले पढ़ चुके हो एक कार्डिक एनाटॉमी अच्छी तरह से तुम लोग पता नहीं एनाटॉमी 1 या 2 में पढ़ चुके होगे है ना किस में पढ़ते हो माहीन सर एनाटॉमी 1 में मेरे ख्याल में पढ़ी थी सही तरह याद नहीं है 1 में पढ़ी थी सर मैंने बहुत अच्छी तरह डाल दी कार्डिक एनाटॉमी बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी दोबारा से ठीक है उसके साथ फिर वो क्या नाम है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो उसके बाद फिर हम अब हमें एंजियोग्राफी करनी है ठीक है तो कहीं पर अगर कोई ब्लॉकेज है या हार्ट पंपिंग में इशू आ रहा है ठीक है तो उसकी वजह से कार्डिक प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएंगे तो हम उनको मैयर करते हैं किस जगह के प्रेशर को क्या कहते हैं तो ये हम छोटा सा लेक्चर लेंगे रमज़ान है मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ना हाथ होला रख रहा हूँ कि यार बेचारे बच्चे रोजा शुदा रखा होता है तो मैं ज़रा ज़ालिम ना बनूँ बाकी टीचरों की तरह वैसे मैं हूँ ज़ालिम लेकिन मैं कहा चलो रमज़ान है बेचारे बच्चे उमर अहमद यस सर क्या हाल चाल है जानू ठीक ठाक हैं आप ठीक सर आप मैंने बड़ा नाम सुना है यूनिवर्सिटी में आपका बड़े मशहूर हैं आप सर किधर सुना पूरी यूनिवर्सिटी मशहूर है कि उमर अहमद एक सेमेस्टर 6 एमआई का लड़का है पूरी यूनिवर्सिटी मशहूर है मैंने कहा अच्छा भी मुझे तो नहीं पता है भी सर अच्छा भाई आ जाओ हम लेक्चर पे आ जाओ किधर गया भाई किधर गया ये ये देख लो भाई एक दफा तुम लोग बाद में ना कहना है ये ऊपर तुम लोगों की सारी कार्डियक एनाटॉमी पढ़ी हुई है ठीक है इसको पढ़ना है कहीं पे कोई रोला महसूस हो तो मोस्ट वेलकम मेल पे मैं आपके पास 24 घंटे हाजिर हूँ लेकिन रात को 1-2 बजे कहना मैं मेल करोगे तो थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा क्योंकि मेरी अपनी भी जिंदगी है छोटी मोटी सी माड़ा मोटा बंदा हूँ ठीक हो गया अच्छा जी हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द हार्ट्स मेजर कंट्रैक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर कंपोनेंट्स ठीक है क्या क्या होते हैं इसके अंदर साइनोट्रियल नोड होता है जिसको हम एसए नोड बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है जिसको एवी नोड बोलते हैं बंडल ब्रांचेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट प्रोकंजी फाइबर्स होते हैं इस चीज का तुम लोग अच्छी तरह से पता है क्योंकि फिजियो तुम लोगों ने पढ़ चुके हो पढ़े हैं ना फिजियो पढ़ के आए हो ना यस सर कौन सी बुक से पढ़ी थी फिजियो सर 1 भी पढ़ी थी 2 भी पढ़ी थी 3 भी शायद पढ़ी ली थी पढ़ी किस बुक से है पढ़ी हाँ बिल्कुल कौन सी बुक गाइटन हॉल सर गाइटन हॉल ओके गाइटन सर बस ठीक है वो उसमें तो बहुत अच्छा लिखा हुआ अच्छा ठीक है हाँ सदके जाऊँ तुम लोगों के एक तो तुम लोगों ने जैसा पढ़ा होता है ना वैसे वो भी माशाल्लाह सारा मुझे बुक काफी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है पिछले सेमेस्टर में तो अभी तो सर हम आपके स्टूडेंट्स बन गए अच्छा मतलब सारे आज आके दुनिया जान दे नाले मेरे स्टूडेंट बनने हैं सदके जाऊँ मैं मलाइका ये देख लो तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही है क्या सर वो कह रहे हैं कि जो दुनिया जो आन के हम नेले स्टूडेंट्स हैं ना हम आपके स्टूडेंट इसलिए बन गए कि मैं आता जाता कुछ नहीं है नहीं सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है ना तो आप कम में से आपको बच्चा बनाएंगे ये कह रही हूं रोज मेरी गाल सुनो रोजे दे बीच ना झूठ नहीं बोली होंदा ते बोता मक्खन लाने ते बंदा आप ही स्लिप हो जांदा होंदा सर अभी आपने उमर को भी तो कुछ बोला था रोजा था सर वो तो उमर के बारे में तो सुना ही बहुत ज्यादा है मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर मैं तो इसलिए कह रहा हूं सर मेरा फेलो है मैंने पहली दफा उसका नाम सुना तो अब आप यूनिवर्सिटी नहीं ना आती होंगी मैं तो डेली आता हूं चलें ठीक है पढ़ाएं सर जी बड़ी मेहरबानी बाजी आपने इजाजत दे दी पढ़ाने की मैं आपकी इजाजत बगैर पढ़ा ही नहीं सकता था
अच्छा भाई उसके बाद आगे चलते हैं जी, आगे वो क्या कहता है जी, साइनल एट्रियल नोड ऑफन रेफर टू एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है, हार्ट के पेस को मेंटेन करते हैं, यानी कि आपकी हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करने में सबसे बड़ा हाथ साइनो एट्रियल नोड का होता है। अगर आपका साइनो एट्रियल नोड बंद हो जाए, ठीक है, तो तुसी नहीं चल सकते, तुसी फोत हो जाओगे, अल्लाह ना करे, वैसे होना तो है ही, ये अल्लाह ना करे कहने से कुछ होता नहीं है, जाना तो हर बंदे ने ही है। अब जैसे क्या पता मलाइका कल परसों चली जाए, ठीक है, मैं कोई 100 साल बाद जाऊँ, ठीक है, माहीन कोई अगले महीने चली जाए, तो पता कोई नहीं है। ओके सर, सर आपने मुझे 2 दिन बाद ही मार दिया। यार देखो जितना जल्दी जाओगे ना, मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है, जितना जल्दी जाओगे ना उतनी कम जुतियां पड़ेंगी, गुना कम होंगे। हाँ तो अगर बहुत जुतियां खानी है 100 साल बाद जाने, यार मैं कहता हूँ ना जरा मैं अपने गुनाह झाड़ लूँ ना तुम जैसों को जरा सीधा पदरा करके। ठीक है सर, की याद करोगे तुम, मास्टर लभ्या सी। खैर आगे चलो, लोकेटेड इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट इनिशिएट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इसी तरह एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है हमारा, सो कहाँ लोकेट कर रहे होते हैं, इन द लोअर राइट एट्रियम जस्ट अबव द ट्राइकस्पिड वैल्व, ठीक है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम द एसए नोड कम्युनिकेशन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है, कुछ इस तरह की आपको वेव फॉर्म मिलती है। अगर कभी आप लोगों ने देखी हो, ये गाइटन की ही इमेज है जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपनी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी गाइटन, 5 साल हो चुके हैं लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ये इमेज उसके अंदर बना हुआ था, ठीक है, ये उसने आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का दिखाया हुआ है जो हम ईसीजी के अंदर हमें मिलती है, कुछ इस तरह से वेव मिलती है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और आगे टी वेव, ठीक है, पी वेव कब आती है, जब एवी वाल्व क्लोज कर रहा होता है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनना स्टार्ट होता है, जब आपका एओर्टिक वाल्व ओपन कर रहा होता है, टी वेव कब आती है, जब आपके क्या नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है, और उसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पे आ रही होती है। हाउ आर यू डूइंग, ठीक हो गया, समझ आ गई है भाइयों और उनकी बहनों? सर यस सर जी जी जी, चलिए टी का फिर से बता दें, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद मेरी जान के टूटे, ये ऊपर इतना बड़ा लिखा हुआ है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जब है ना उसके वहां पे आके टी वेव एंड हो रही होती है और हमें मिलती कब है, जब इजेक्शन यानी कि जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे आपको इजेक्शन के टाइम पे टी वेव मिल रही होती है, जिसको हम सिस्टोल भी बोलते हैं इन लेम लैंग्वेज, ठीक है, सिस्टोल का पता ही नहीं? जी सर, जैसे आपका गला अगर मैंने पकड़ा हो, ठीक है, तो मैं उसको दबा दूं तो तुम्हारा सांस बंद हो जाएगा ना, उन्हें सिस्टोल कहते हैं। ओके सर, हम सही समझ आ गई होगी जी, सही कहा है ना मैंने मलाइका, सही कहा है सर? सिस्टोलिक प्रेशर तो वो नहीं होता जब फिलिंग हो रही होती है वेंट्रिकल्स की? अल्लाह माफी दे दे, एडीन होल्डरी सर, वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में जी। सिस्टोलिक क्या होता है जरा मुझे बताना, कितों पढ़ के आए हो, अल्लाह ही ख्याल करे मेरा भी इन्होंने गलत करा दिया सर। अपर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और जो लोअर होता है वो डायस्टोलिक। हाँ जी, मैं एक मिनट जरा शेयरिंग बदल रहे हैं, मैं तुम्हें दस ही दें पता लगे कितने गई गूगल, ए वे लो क्या लिखा हुआ है मलाइका बजी, योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द टॉप नंबर ऑन योर रीडिंग, इट मेजर्स द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट योर आर्टरी वॉल्स व्हेन योर वेंट्रिकल्स द टू लोअर चेंबर्स ऑफ योर हार्ट स्क्वीज pushing the blood out of the rest of your body. ठीक है बाजी? Yes sir. कोई थोड़ा जो डीन होल्डर का कोई ख्याल करो, कोई अल्लाह का वास है, हाथ जुड़े ताड़े के। ये मेरे से बात सुन लो, ये क्लास ने यही समझना है कि मैं बड़ी फेवर देता हूँ जी माहीन और मलाइका और ये सामिया शाहिद को, लेकिन जितनी तुम लोगों के साथ होनी है ना, मैं तुम लोगों को बता रहा, तुम लोग अपने आप को ना तैयार रखना, समझ आ गई है? ये तुम लोगों की सीनियर जो मासूमा है ना, जो उस दिन ईबीपी के लेक्चर में तुम लोगों के साथ ही थी, जितनी इस गरीब की हुई है ना, ऑल द उसके सारे ए हैं, लेकिन जितनी बिस्तियां उसने बर्दाश्त किया ना हर लेक्चर में, सोच होगी तुम लोगों की, बेशक उससे पूछ लेना बेचारी रो रो के तुम लोगों को बताएगी। बच्चों की अम्मा मैंने उसको बना दिया, बच्चों की बाजी वो है, ठीक है, बच्चों की बहन वो है, सब कुछ वो है बच्चों की,
तो ये जो डीन होल्डर वाले है ना तुसी जरा बच के रहना मेरे को मैं तुम्हें पहले दस रहा समझ आ गई है मलाइका माहीन और सम्या को गुड टाइम से समझ लेना इससे पहले कि तुम लोगों का भी मासूमा वाला हाल हो ये चेक करो जरा माशाल्लाह नगीसा मैं क्लास है ना ऐसे आउट करूंगा कि दोबारा एंटर भी नहीं हो सकोगी किसी क्लास में समझ आई है मेरी क्लास में इस तरह की हरकतें की ना तो बहुत बुरा पेश आऊंगा सर मैंने क्यों किया है ये जो आपने स्क्रीन के ऊपर बदतमीजी की है उसके बारे में बात हो रही है रोजाना ना होता तो मैं आपकी अच्छी खासी करता समझ आ गई अगर मैं चिल होके पढ़ा रहा हूँ ना इट डजंट मींस के तुम लोग कुछ भी करो मैं बहुत बुरा पेश आता हूँ पूछ लेना अपने सीनियर से बेशक बल्कि अक्सर बच्चे तो मेरे सेक्शन में इसीलिए नहीं आए कि भाई जी मैं अच्छी तरह से बदनाम हूँ कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ तो अच्छी बात है बदनाम होना चाहिए बंदे को अच्छा ये हमने पढ़ लिया नॉर्मल कैसे होता है ठीक है अगर आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है तो आपकी जो ईसीजी की वेवफॉर्म है ना वो कुछ इस तरह की मिलेगी आपको ठीक है देखो इसके अंदर कोई क्या नाम है पी क्यू आर एस आपको वेव नहीं मिल रही ठीक है डायरेक्टली सिर्फ ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ठीक है इसी तरह अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया आपके वेंट्रिकल्स प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं कर रहे ठीक है तो आपको इस तरह के एक हैपहैज़र्ड सा पैटर्न मिलेगा ईसीजी वेव फॉर्म के ऊपर ठीक है ईसीजी रीड करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है एफसीपीएस डॉक्टर्स भी अक्सर ऐसे होते हैं जिनको ईसीजी रीड करना नहीं आती ठीक है तो ईसीजी रीड करने की कोशिश करना अगर तुम लोग कामयाब हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है ठीक है मुझे कोई 5-6 महीने लग गए थे उसको समझते समझते कि किस तरह होती है ठीक है समझ आ गई है अच्छा जी आगे हम चलते हैं जी क्या नाम है हीमोडायनामिक्स पे ठीक है हीमोडायनामिक्स पे कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ फोर्सेस मूविंग थ्रू द बॉडी ठीक है वैसे अगर जनरली हम हीमोडायनामिक्स को स्टडी करें तो क्या होता है कि स्टडी ऑफ फोर्सेस मूविंग थ्रू आवर बॉडी के अंदर से जो फोर्सेस मूव कर रही हैं उनकी स्टडी को ठीक है बट अगर इन द कार्डियक कैथ लैब हीमोडायनामिक मेजरमेंट्स आर द ब्लड प्रेशर्स मेजर्ड थ्रू द कैथेटर्स इन द वेरियस चैंबर्स ऑफ हार्ट एंड इन न्यूमरस ब्लड वेसल्स ठीक है अगर हम कार्डियक कैथ लैब के अंदर हीमोडायनामिक की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि हम उससे इस चीज को रेफर कर रहे होते हैं कि कैथेटर हार्ट के किस चैम्बर में है वहां का प्रेशर हम मेजर कर रहे होते हैं इस चीज को हम बोलते हैं हीमोडायनामिक मेजरमेंट्स इन कार्डियक कैथ लैब हीमोडायनामिक मेजरमेंट्स प्रोवाइड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन फॉर असेसिंग हार्ट वास्कुलर फंक्शंस इंक्लूडिंग वेल्वुलर डिजीज आर्टेरियल वेनस ब्लड प्रेशर एंड एलवी फंक्शन ठीक है मैंने आपको जैसे बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि जी आपने सुना होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है 80/120 ठीक है यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर 80 तक और 120 से सिस्टोलिक प्रेशर ये नॉर्मल होते हैं अगर ये प्रेशर एलवी के अंदर आपको नॉर्मल नहीं मिल रहा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिल रहा है जी क्या नाम है 50/90 ठीक है इट मीन्स क्या एलवी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा प्रॉपरली ब्लड को अपने स्टैंडर्ड प्रेशर पे पंप नहीं कर पा रहा उसकी एक्टिविटी डाउन हुई हुई है ठीक है अब एक्टिविटी क्यों डाउन हुई हुई है उसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं कि आगे कोई क्लॉट पड़ा हुआ है या उसके मसल्स वीक हो गए हैं या फिर आपका क्या नाम है एवी जो नोड है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं है ठीक है देयर माइट बी डिफरेंट कॉजेज समझ आ गई है कि हमें हीमोडायनामिक्स मेजरमेंट से क्या चीज मिलती है बच्चों समझ आ गई है यस सर आ गई यस सर जी सर अथर इकबाल आयशा नासिर यस सर आयशा सिंपल क्योंकि उसका कोई सर नेम नहीं है सर आप क्या नाम है ओवरसीज स्टूडेंट है ना नहीं सर ओवरसीज स्टूडेंट कौन सी वाली आयशा है मैं हूं सर ओके ठीक है तीन आयशा मींस क्लास में ठीक हो गया दुआ खान यस सर ठीक है मोहम्मद आमिर ताहिर इट्स बीन द फोर्थ टाइम आई एम कॉलिंग योर नेम ओके एब्सेंट
मोहम्मद हामिद? यस सर। ठीक हो गया। अरसलान? यस सर। काशिफ? यस सर। शहीर? यस सर। उस्मान? यस सर। ठीक हो गया, नाइस, बहुत अच्छे यार। सीमा फियाज? यस सर। ठीक है, उमेर से पहले ही जाग रहा उसको, तुम बेचारे की जाते साथ में करती थी। अच्छा जी, मौज अरशद? यस सर। मोमिना अब्दुल कुद्दूस? यस सर। सर आमिर हॉस्पिटल एडमिट है, शायद इसको जैसे वो नहीं कर रहा, रिस्पांस नहीं कर रहा सर। क्यों, उसको क्या हुआ? सर हेपेटाइटिस बी। तो काशिफ साहब आप अगर ये बता सकते हैं तो मुझे एक मेल कर सकता है, वो कि लास्ट लेक्चर में भी नहीं था, तो अगर क्लास ज्वाइन करके बैठ सकता है सिर्फ अटेंडेंस के लिए, तो वो एक मेल कर दे कि सर जी मेरा ये मसला है, मैं आपकी क्लास सुन रहा होता हूँ, सिंपल। जी सर, कर देगा आदमी। बट विद रिपोर्ट्स, अगर इस तरह का इशू है तो ठीक है सर, रिपोर्ट के साथ भेज देगा। अफजाल हसन? एमन हबीब? ओके। अफजाल हसन? अफजाल हसन नहीं। अरीबा नासिर? यस सर। ओके। हाफिज मोहम्मद सलमान? यस सर। अच्छा मेरी बात सुनो, जो आपका ईबीबी का सेक्शन है ना, उसमें बच्चे काफी ऊपर नीचे हुए हैं, तो देख लेना कि आप लोगों का सेक्शन चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है? क्योंकि पहले स्ट्रेंथ थी 100, देन 120 होगी, देन 80 होगी, और अब 80 से भी कम चली गई है, तो फिर अपना देख लेना सेक्शन कहाँ पे है, सबको कह रहा हूँ, ठीक है? और जिसका कोई अगर इशू है उसने कहीं और नहीं जाना, तो वो फिर सारा अपना आंसर खुद ही बात कर ले, मुझे ना कहे कि सर जी मेरे से क्या, आपके सेक्शन में रहना है ये है, तो वो समझ आ गई है। हीमोडायनेमिक मेजरमेंट्स आर परफॉर्म्ड टू सम एक्सटेंट विद एवरी डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल कार्डियक कैथेटराइजेशन। अच्छा, एंजियोग्राफी हम डायग्नोस्टिक भी कर सकते हैं और इंटरवेंशनल भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है? वो भी डायग्नोस्टिक भी हो सकती है और थेरापेटिक भी हो सकती है। इसी तरह आपकी जो एंजियोग्राफी है वो भी डायग्नोस्टिक भी हो सकती है और थेरापेटिक भी हो सकती है। डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक कब होती है? जब आपको डिजीज का नहीं पता होता, जब पहली फॉर एग्जांपल पहली एंजियोग्राफी आपने की, ठीक है, आपको नहीं पता था कि एओर्टिक नॉच के अंदर या फिर क्या नाम है असेंडिंग एओर्टा या डिसेंडिंग एओर्टा कहीं पे भी कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई नैरोइंग हुई भी है, ठीक है? बट आपको ये जरूर पता था कि यार क्या नाम है हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, ब्लड प्रॉपरली बॉडी में पंप नहीं हो रहा, ठीक है, जिसकी वजह से आपने एनजीओ परफॉर्म करवाई। अब उस एनजियोग्राफी एओर्टिक एनजियोग्राफी में आपको ये पता चला कि जी ये डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर एक लेवल पे जाके स्टीनोसिस हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां नैरोइंग हुई हुई है। अच्छा जी, नैरोइंग हुई हुई है, अब हम क्या करेंगे जी? अब आपने क्या नाम है थिएटर के ऊपर या तो उसी प्रोसीजर में या फिर आप दोबारा से उसका प्रोसीजर शेड्यूल करोगे, उसके सारे टेस्ट वगैरह करवा के, ठीक है, और दोबारा से उसकी क्या नाम है एनजीओ के दौरान आप वहां पे बलूनिंग से उस एरिया को वाइडन करोगे, ठीक है? और अगर आप डॉक्टर ये समझता है कि सिर्फ बलून से उस जगह को वाइड करने से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, तो वहां पे एक आर्टिफिशियल स्टेंट प्लेस कर दिया जाता है जो कि उस एरिया को वाइड ओपन करके रखता है ऑलवेज, ठीक है? एक टाइम ड्यूरेशन होती है, ठीक है, यानी कि एक एज होती है हर चीज की, जैसे किसी भी चीज की जो भी, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, इट हैज अ सर्टेन टाइम लिमिट, उसके बाद वो खराब हो जाती है। सिमिलरली स्टेंट्स की भी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है, आई थिंक 4 to 5 years ऑलमोस्ट, ठीक है? लोग फिर लेकिन हमारे पाकिस्तानी वहाँ में 10-10 साल भी चलाते हैं, ठीक है, लेकिन विदिन 4 to 5 years आपके जो स्टेंट है उनको रिप्लेस करना जरूरी होता है। समझ आ गई इस बात की? Yes, sir. More extensive hemodynamic information can be obtained through selective catheterization called right heart catheterization and left heart catheterization. अगर आपको इशू लग रहा है लाइक आप लोगों ने डिजीजेस पढ़ी हैं, बल्कि नहीं तुम लोगों ने मेडिसिन नहीं ना पढ़ी अभी तक, कुछ आइडिया है कि ASD VSD क्या होता है? नो सर।
कभी सुना है किसी से कि दिल में सुराख है बच्चे के? अगर उसकी वॉल प्रॉपर नहीं डेवलप हुई और बीच में एक होल रह गया है तो उसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसको भी लोग कहते हैं कि दिल में सुराख है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिसे हम वीएसपी बोलते हैं, मतलब आपके आरवी और एलवी के दरमियान जो सेपरेशन वॉल है, ठीक है, जो सेप्टम है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई और बीच में एक होल रह गया, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है आपकी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। इस बात को नोटिस कीजिएगा, अगर कभी आपने केस देखा जो एएसडी और वीएसडी के पेशेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उन पेशेंट्स में बॉडी का कलर ना साइनोटिक होता है, मींस वो ब्लूइश का कलर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का कलर ब्लूइश हो जाता है, ठीक है। अगर कभी लाइफ में इत्तेफाक हो कोई इस तरह का बच्चा देखने का तो मस्ट नोट दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, क्या नाम है, प्रेशर्स पे, कि किस जगह पे कितना प्रेशर मिलता है। आर ए के अंदर हमें 0 to 8, आर वी के अंदर 15 to 30 सिस्टोलिक, जब वो पंप करके आपकी क्या नाम है पल्मोनरी वेन में भेजता है, और डायस्टोलिक जब फिलिंग हो रही थी तब 0 to 8। उसकी इसी तरह क्या नाम है आपका एल वी का प्रेशर 100 to 140 सिस्टोलिक और 4 to 12 ई डी पी एंड डायस्टोलिक, यानी कि जब डायस्टॉल एंड यानी कि जब फुल भर जाता है ना एल वी, उस टाइम पे उसको बोलते हैं एंड डायस्टॉलिक प्रेशर, कि बिल्कुल डायस्टॉल का एंड हो रहा है, ठीक है। उस टाइम पे आपका प्रेशर होता है 4 to 12 ईडीपी, ठीक है। और एओर्टिक प्रेशर डायस्टॉलिक कितना होता है 60 to 80, ठीक है, जो हम नॉर्मल रूटीन में कहते हैं कि जी 80/120 होना चाहिए नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, वही 60 to 80 डायस्टॉलिक, ठीक है, एंड 100 to 140 सिस्टॉलिक प्रेशर, ठीक हो गया। पल्मोनरी आर्टरी का इसी तरह 15 to 30 सिस्टॉलिक और 8 to 15 डायस्टॉलिक, और ये है पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के मतलब यानी कि एंड टाइम का प्रेशर जब वो फिल होके आगे आपके एलएमएम ब्लड को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। इस इमेज में उन्होंने वेवफॉर्म बना के दिखाई है कि आरए की वेवफॉर्म इस तरह की आ रही होती है, एओर्टिक वाल्व की वेवफॉर्म इस तरह की होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस नोट कर रहे हो, आरए ने इतना ज्यादा प्रेशर से ब्लड नहीं देना क्योंकि उसका बिल्कुल अगले ही खाने में जाना है, ठीक है, आरबी के अंदर, तो उसकी वेवफॉर्म कितने छोटे एम्पलीट्यूड की है, ठीक है। इसके अगर आप देखो कंपैरिजन में तो एओर्टिक वाल्व की वेवफॉर्म वो कितना हाई पीक पे जा रही है, ठीक है। ये जो परसेंटेजेस लिखी हुई है ये ऑक्सीजन की परसेंटेज है, ठीक है। आर एम में जो ब्लड होता है वो 75% ऑक्सीजनेटेड होता है, आरबी में भी इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, वहां से आया एल ए में ऑक्सीजनेटेड हो गया तो कितनी परसेंटेज होगी 97, फिर एल वी में गया 96, ठीक है। जिस तरह जिस तरह थोड़ा आगे आगे पास करता जाता है ना आपकी ऑक्सीजनेशन डाउन होती जाती है, पहले आर ए में आरबी में भी कम होती है क्योंकि वहां पे होता ही टोटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके बाद फिर जब वो ऑक्सीजनेटेड होके लंग से पूरा चक्कर लगा के वापस आता है एलए के अंदर तो वहां पे कितनी परसेंट आपको मिलती है 97%, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, बाद में मुझसे कोई ना पूछे सर इम्पोर्टेंट बता दें। समझ आ गई है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा जी, द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर द बेसिक टू मॉनिटरिंग सिस्टम एज दे अपीयर इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर, ठीक है। आप हेमोडायनेमिक्स मेजर कैसे करते हो, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या नाम पेशेंट, उसको आपने कैथेटराइज किया होता है, यानी कि फेमोरल आर्टरी से आपने कैथेटर इंसर्ट करके कार्डिय किसी भी चेंबर में रखा होता है। उसके आगे क्या होता है, कनेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। एक आपके पास छोटी सी डिवाइस लगी होती है एंजियोग्राफिक टेबल के साथ ही, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर, जो कि आपके प्रेशर को क्या नाम है मेजर करके उसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर के आगे लगा होता है एम्पलीफायर, उसके आगे डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है, कन्वर्ट्स अ प्रेशर सिग्नल फ्रॉम द फ्लूइड फिल्ड कैथेटर एंड कनेक्टिंग ट्यूब्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय सेंसिंग ट्रांसमिटेड वाइब्रेशंस, ठीक है। ये सारा काम ये जो अभी उसने बताया कि कन्वर्ट्स अ प्रेशर सिग्नल फ्रॉम फ्लूइड फिल्ड कैथेटर टू कनेक्टिंग ट्यूब्स, ये सारा काम कौन करता है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ठीक है।
और इसका लेवल एग्जैक्ट आपके मिड चेस्ट के लेवल के बराबर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये आपको गलत प्रेशर बताएगा, ठीक है। मिड चेस्ट लेवल के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट लेटा हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है, और उसका मिड चेस्ट लेवल टेबल यानी कि टेबल के टॉप पे जहां पे वो लेटा हुआ है वहां से उसका मिड चेस्ट लेवल बन रहा है 5 inches, ठीक है, तो आपके ट्रांसड्यूसर का जो लेवल है ना वो भी टेबल टॉप से 5 inches अबव होना चाहिए। अगर वो 7-8 पे होगा या फिर 3-4 पे होगा तो वो आपको प्रॉपर प्रेशर की वेव फॉर्म नहीं बताएगा, वो प्रॉपर प्रेशर आपको नहीं बताएगा, कम बताएगा या ज्यादा बताएगा, जिसे हम बोलते हैं ओवर डैम्पिंग या अंडर डैम्पिंग, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ गई सबको? जी सर। जी सर। तुम लोग मैं दिखा ही दूं प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ये देखो भाई ये आपका प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ठीक है, ये टेबल टॉप है जिसके ऊपर उन्होंने क्या नाम है ईसीजी मॉनिटरिंग मशीन रखी हुई है, ठीक है, और ये साइड एक पोल के साथ आपका प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा होता है, इस साइड पे इसके एक नॉब है जिसको यानी कि आप घुमा के तो इसको ऊपर नीचे लेवल इसका मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, तो इसका लेवल हमने क्या रखना था मिड चेस्ट, ठीक है, अगर मिड चेस्ट नहीं रखेंगे तो हमें प्रॉपर प्रेशर वेव फॉर्म्स नहीं देगा, ठीक है, समझ आ गई है? जी सर। मैसेज कौन कर रहा है भाई? सबा यासीन आपके लिए मैसेज आया है। यस सर। आपके लिए मैसेज आया है, पढ़ें। अच्छा जी, प्रेशर वेवफॉर्म, प्रेशर वेवफॉर्म आर क्लासिफाइड टू द बॉडी लोकेशन फ्रॉम व्हिच द प्रेशर इज रिसीव्ड, ठीक है, जिस भी एरिया के हम प्रेशर वेवफॉर्म लेते हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली क्या नाम है नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइट एट्रियल और आर ए प्रेशर, राइट वेंट्रिकुलर और आरवी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी और पीए प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी वेज और वेज प्रेशर, एलए प्रेशर, ठीक है, इसी तरह एलए प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। जी सना बोले। सना सर गया था। ओके Each pressure waveform corresponds to the electrical display of the heartbeat. Each electrical impulse will generate a mechanical pressure response. ठीक है? जैसे ही sinoatrial node से या AV node से आपके muscle fibers को electrical impulse आएगी तो वो उसके accordingly contract करेंगे, ठीक है, और उसके accordingly वो extended pressure जिसपे अल्लाह मियां ने उनको maintain किया हुआ है वो pressure पे वो next chamber के अंदर blood को pump करेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, अगर आपके मसल प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, अगर आपके क्या नाम है कोई इशू और आ गया है, लाइक जैसे कोई हार्ट में एनोमली है, ठीक है, जिसे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं जी दिल में सुराख है, ठीक है, या फिर कोई और इशू है, बहुत सारे इशू होते हैं, तुम लोग मेडिसिन की डिजीज में पढ़ोगे, ठीक है, तो या फिर आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है या आपको एंजाइना की पेन हो रही है, ठीक है,
डिफरेंट इश्यूज हैं तो उनके अंदर आपके ये प्रेशर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आर ए एंड वेट प्रेशर कॉरस्पॉन्ड टू पी वेव, आर बी एंड एल वी प्रेशर कॉरस्पॉन्ड टू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ईच प्रेशर वेवफॉर्म हैज वेरी डिस्टिंक्टिव वेवफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां तक कोई समझने वाली बात? नन्हे मुन्ने बच्चों, यस सर, मुझे लगता है तुम लोगों ने जुम्मा नहीं पढ़ना, तुम लोग अभी तक सारे सो रहे हो। आज बच्चों जुम्मे का दिन है, उठ के पढ़ लेना, कोई बात बात कर लेना, बड़े तुम लोग गुनाहगार हो। समझ आई है सर? आप भी हमारे लिए दुआ करते ना। क्या दुआ करो? अल्लाह में तुम लोग हिदायत दे, यही कर दे। एग्जैक्टली, आमीन। ये देखा, ये जना जना ने लोड़ है ना, जरूर बोलेंगे सर। हिदायत की हर इंसान को जरूरत होती है। सबसे पहले तो मुझे जरूरत है ना, वो सर सबसे पहले है तो आपको होनी चाहिए हिदायत, ऐसे को। अच्छा, उसके बाद जी वो कहता है जी हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं कैथ लैब के अंदर। बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वैसोएक्टिव ड्रग्स, एंटी कोएगुलेंट्स, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स एंड एमरजेंसी ड्रग्स, ठीक है। ये जो सारी ऊपर बताई है ना, ये तुम लोगों ने फार्माकोलॉजी 1 और 2 पढ़ ली हुई है मेरे ख्याल से। आई थिंक सो सर, 1 भी पढ़ी हुई है, 2 तो हमारी है ही नहीं। ओहो, बस उसमें तुम लोगों को पता होगी, ठीक है। इमरजेंसी के अंदर हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? लिडोकेन, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, डोपामाइन। ये जो ये तीन है नीचे वाले, दीज आर द स्टेरॉयडल ड्रग्स। कि अगर आपको इमरजेंसी हो गया, पेशेंट आपका जा रहा है क्या नाम है डेथ की तरफ, तो आप उनको ये तीन ड्रग्स लगा के उसको वापसी लेके आ सकते हो। भाई नहीं, अभी नहीं, तुम्हें जाना, अभी टाइम नहीं हुआ। अगर वो फिर भी चला जाता है तो फिर मतलब उसका टाइम हो गया, ठीक है। समझ आ गई है? अच्छा, मुझे भी ये बताएगा yes, कैथ लैब में कौन कौन से पर्सन होते हैं, किसी को कोई आइडिया है? दसो, मेरे ख्याल लास्ट लेक्चर में शायद था कि कैथ लैब में कौन कौन होता है, था कि नहीं? नहीं नहीं था, वो दूसरे वाला लेक्चर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कैथ लैब में सबसे पहले तो मेन बंदा कौन है? आप, क्योंकि आपने ही मशीन ऑपरेट करनी है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेन बंदा आपका क्या नाम है, जो होता है वो क्या कहते हैं यार, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि सारा जो काम है पेशेंट के साथ, ठीक है, उसकी आर्टेरियल एसेस मेंटेन करना, कैथेटर इंट्रोड्यूस करना, कैथेटर को प्रॉपर उसके क्या नाम है चेंबर में लेके जाना, वो काम करना होता है आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। तो दो मेन बंदे हो गए, आपका कार्डियोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। तीसरी होती है नर्स, क्योंकि उसने कार्डियोलॉजिस्ट को हेल्प करनी होती है कि जी ये पकड़ा दो, ये पकड़ा दो, ये पकड़ा दो, ठीक है। चौथा होता है एक वार्ड बॉय, ठीक है, वो भी इसी तरह के काम कर रहा होता है कि जी ये कर दो, वो कर दो, अच्छा वो इमरजेंसी ट्रेन से निकाल के दे दो और ये कर दो, ठीक है, ये कपड़ा चेंज कर दो, ये गंदा हो गया, ठीक है। तो मेन चार लोग होते हैं आपकी कैथ लैब के रूम के अंदर। उसके बाद जो आपका कंट्रोल रूम है, दो टेक्नोलॉजिस्ट वहां बैठे होते हैं जो कि हर चीज को रिकॉर्ड और मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। पता लग गया कि कितने लोग होते हैं? ऑलमोस्ट टोटल 5 to 6 पीपल होते हैं आपके एंजियोग्राफिक रूम के अंदर और पीछे कंसोल रूम के अंदर। ओके हो गया? यस सर। किसी का कोई सवाल जवाब? किसी का कोई सवाल? वानिया जावेद है क्लास में? वानिया जावेद नहीं, जरकम भी नहीं है, जानिश फातमा, उमे इमन, जैनब अंसर, जैनब अंसर, खैर है कोई भी नहीं आया हुआ। अच्छा, सुंबल मुश्ताक सर, वो हॉस्पिटल है, वो बोल नहीं सकती लेकिन वो क्लास अटेंड कर रही है, तो उसने बोला मैं मैसेज कन्वे कर दूं आप तक। ओके, सारा अनवर, यस सर,
सामिया शाहिद यस सर सादिका शहजादी यस सर ठीक हो गया रहमा सुहेल यस सर नदरत नूर यस सर राबिया इरफान यस सर प्रेजेंट मुशाहिद मुशाहिद नहीं है अच्छा जी काशिफ मोहम्मद असलाम ठीक है अमन मोहम्मद अब्दुल्ला यस सर मौज अरशद यस सर मियां अली नूर मैमूना रहमान प्रेजेंट सर मलीहा मरियम प्रेजेंट सर लिंता प्रेजेंट सर किंजा ईमान लाइबा नवीद खदीजा नवाज यस सर कश्यप प्रेजेंट सर इकराम प्रेजेंट सर हिना प्रेजेंट सर सलमान हाफिज सलमान प्रेजेंट सर फातिमा साजिद प्रेजेंट सर गानिया खान यस सर दुआ खान प्रेजेंट सर दाऊद प्रेजेंट सर अरीबा सर कौन सी अरीबा अरीबा एक ही अरीबा नासिर है बस सर प्रेजेंट ओके अक्सा अजहर प्रेजेंट सर अस्मा गुलजार प्रेजेंट सर हमसा है मेरा नाम आई एम सॉरी लिटरली रोजा लगा हुआ असल में इसलिए ना सर नहीं आप ही नहीं सिर्फ सारे बाकी सारे भी अस्मा ही बुलाते हैं वो एक्चुअली ना एक्चुअली वो नेम की स्पेलिंग है ना वो ऐसे माइंड में डिफरेंट नेम है जी सर तो क्लिक ही नहीं करता हां जी हो गया आमना ताहिर यस सर प्रेजेंट अमानिया ताहिर अमानिया ताहिर अलन वाज प्रेजेंट सर आलिया शहबाज प्रेजेंट सर आलिया एहसान प्रेजेंट सर एमन हबीब अच्छा जी अबीहा जैनब प्रेजेंट सर ठीक हो गया जी किसी का कोई सवाल जवाब सर आपका डॉक्टर नासिर जिनका नहीं बोला उनकी लग गई तड़ी मेहरबानी ओके थैंक यू बोला ना पड़ा मेरे सिर पे जो बीच बीच में भी बोल रहा होता ना जिससे से पूछ रहा होता वो उनकी टेंडेंसी मार्क हो रही होती है तो इस बात का ध्यान रखना ओके सर किसी को कोई सवाल या क्लास एंड कर दें ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ जी जी पूछो अल्लाह हाफिज़ सर सवाल लग गई आपकी अटेंडेंस पूछो किसने सवाल पूछना है सर यूएमटी में एनजीओ के प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं कि ये जस्ट पढ़ा ही रहे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो यही सोचेंगे कि प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो करवाएंगे ना आपको मेरे ख्याल से इन्होंने सुरैया सिंह का किया हुआ आई डोंट नो वहां पे एनजीओ लगी हुई है कि नहीं लेकिन सुरैया जी में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे
ठीक है ओके सर। सर अभी तक हमने अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस नहीं की है। कितनी बड़े दुख की बात है। यस सर। सारी जिंदगी इसी दुख में सर किसी भी चीज की नहीं की प्रैक्टिस जो भी पढ़ा रहा है। सर एक्सरे की भी नहीं है। हो जाएगी क्या तुम लोगों की ऐसी भी कब स्टार्ट होनी है? एक तो पढ़ ली है ना तुम लोगों ने सर वो तो एंड में ही होती है। सर ऐसे भी दो स्टार्ट हो गई है जी। हां ऐसे भी दो स्टार्ट हो। अच्छा यार एक कोविड से कुछ निकले तो फिर ही तुम लोगों की कोई रोटेशन वगैरह लग सकती है ना। मसला सबसे बड़ा ये सर कोविड अगर ना निकले तो फिर कोई नहीं सलूशन के बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं कैसे करोगे सर। यूनिवर्सिटी कोई दिन ओपन थी ना पहले कोई बता देते कोई सलूशन तो निकाल लेते ना तो बच्चे भी परेशान होंगे कोविड भी ना जाए तो फिर तो परेशानी वाली बात हुई। ये तो हॉस्टल में भी नहीं रखते क्योंकि कोविड की वजह से। तू टेंशन ना ले तुझे काम सिखा देंगे तू टेंशन ना ले। फिर मैं सर आपसे सीखूंगा काम। तू मेरे को सीख ली यार बाद में अगर खराब हो गया मेरी कोई गारंटी नहीं है। नहीं नहीं सर आप तो प्रैक्टिस आपकी तो अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर ली। मैं भाई बड़ा ज्ञान मैं वो क्या कहते हैं अल्लाह माफी दे दे मैं अल्लाह से बंदा हूं मुझे आप ही ने कहा था सर ऐसे भी वन में आप ही कहा था आपने ही कहा था। मैंने क्या कहा था? अभी भी आप सर कह रहे हैं कि 6 माह मैंने की तब जाके समझ आई थी ये QRS और ये SBS वगैरह जो होती है मतलब है कि आपकी अच्छी है क्लिनिकली साहब से आप जो भी है। नहीं भाई वो तो मैं भी बस छोड़ा था लंबी लंबी छोड़ता हूं मैं। सही कह रहा हूं ना मलाइका? नहीं सर। नहीं सर चलो ठीक है भाई ओके खुश रहो और जमा पढ़ लेना जाके ताड़ी मेहरबानी मास्टर सर दुआ कर देना कि मास्टर बाहर चल जाए जी। अफजल बेटा बोलो सर। सर अफजल हसन की प्रेजेंट लगी है मेरा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था यार एहो जी जड़ी गल्ला करदे ने ना अल्लाह दी कसम मेनू बड़ा गुस्सा चढ़ गया। सर डिस्कनेक्ट हो गया था मैं इधर थोड़ा जरा बाहर आया हूं काम था इसलिए। ठीक है ओके लगी है सर। मानिया ताहिर का माइक नहीं ऑन हो रहा लगा देता हूं उसकी भी मानिया ताहिर के लिए ओके ठीक है भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।